हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ डिलीशियस मौसम्बी मिल्क पुडिंग, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मार्केट में काफ़ी मात्रा में मौसम्बी आई हुई है, तो देख सकते हैं जो मौसम्बी होती है वे संतरे के जैसे होती हैं, बस कलर में थोड़ा डिफरेंट रहती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक मौसम्बी को यहाँ पे छीलना होगा। तो मैंने यहाँ पे छोटे छेद वाला ग्रेटर लिया है, तो जो भी मौसम्बी का छिलका है उसको हम इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। सारी मौसम्बी का हमें छिलका नहीं घिसना है इस तरीके से, सिर्फ एक मौसम्बी का ही हम छिलका उतारेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने एक मौसम्बी को अच्छे से यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। अब मैं जो बाकी की हमारी दो मौसम्बी हैं तो उनका छिलका मैंने निकाल के अलग कर दिया है और ग्राइंडर जार में हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एक बर्तन में स्ट्रेनर रख लिया है क्योंकि हमने मौसम्बी को ग्राइंड कर लिया है। अब इसको हम छानेंगे, जो भी इसका जूस होगा उसको अलग करेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा इसको अलग करेंगे। हमेशा जब भी मौसम्बी को आप ग्राइंड करें मिक्सी में, तो कभी भी इसको लगातार ना घुमाएं, क्योंकि लगातार आप इसको अगर चर्न करेंगे तो जो ये बीज होते हैं तो ये भी मिक्सी में पिस जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा जूस होता है वो कड़वा हो जाता है। तो हमें यहाँ पे जूस को कड़वा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा चर्न करते रहें, बीच बीच में बंद करते रहें। तो चलिए, मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। तो अब इसके बाद ले लिया है मैंने यहाँ पे एक गिलास दूध, और अब लूँगी मैं यहाँ पे 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप इसकी जगह अरारोट भी ले सकते हैं। तो अब मैं करीब 3 चम्मच के आसपास इसमें दूध ऐड करूँगी और इसका हम पतला सा घोल बना के तैयार कर लेंगे। लम्प्स बिल्कुल भी ना रहें, इसलिए अच्छे से इसको मिक्स कर लें चम्मच की मदद से। तो चलिए, ये मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद जो हमने मौसम्बी का जूस निकाला है, तो ये 1 गिलास से थोड़ा ज़्यादा है, करीब 1.5 गिलास के आसपास हमारा 3 मौसम्बी से जूस निकल गया है। अब इसके बाद अपनी कढ़ाई में हम दूध को उबाल लेते हैं, जो हमने 1 गिलास दूध लिया था। जब दूध में अच्छे से बॉयल आ जाए तो इसी स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूँगी 3 चम्मच भर के पिसी हुई चीनी पाउडर। अब इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पकने देते हैं। चलिए, 1 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 3 चम्मच अपना मौसम्बी का जूस। फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो टू मीडियम रखा है, तो इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद जो मैंने कॉर्नफ्लोर दूध में मिक्स करके रखा था 3 चम्मच, तो इसको थोड़ा सा हम हिला लेते हैं ताकि जो तली में बैठा हुआ है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और इस दूध में हम डाल देंगे और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डालते ही दूध हमारा तुरंत एकदम गाढ़ा हो जाएगा। फ्लेम को एकदम कम कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे। अगर इसको आप चलाएंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे, तो इसमें गांठ पड़ सकती है, तो इसलिए कंटिन्यू इसको चलाते रहें। और देख सकते हैं कितने क्रीमी टेक्सचर में हमारा यहाँ पे दूध बनके तैयार है। अब इस स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ जो हमने मौसम्बी को छील के रखा था, मौसम्बी को कद्दूकस किया था ना, तो ये 2 चम्मच के आसपास मैं इसमें डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 चम्मच, और इसको हम जब तक कि हमारा दूध ये और ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए तो इसको पकाएंगे। तो फ्लेम को इस स्टेज पे बिल्कुल भी हाई ना करें, एकदम लो फ्लेम ही रखें। मौसम्बी की बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट बनने वाली है आज की ये। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा ये दूध का बैटर है काफ़ी थिक हो गया है। जब तक कि ये पैन ना छोड़ने लगे तब तक हम इसको लो फ्लेम पर ही कंटिन्यू चलाते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने इसको करीब 5 मिनट के लिए यहाँ पे पका लिया है। अब चलिए, इसको हम सेट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक मोल्ड है, तो इसमें थोड़ा सा मैं घी लगा देती हूँ तली में, ताकि जो ये हमारा बैटर है ये चिपके ना। जब हम इसको बाहर निकालें तो बहुत ही ईजिली निकल जाए।
तो चलिए घी से मैंने ग्रीस कर लिया है, अब ये फटाफट से अपना बैटर इसमें पलट देते हैं। अभी हम इस बैटर को फ्रिज में नहीं रखेंगे, अभी बाहर ही रखेंगे। आगे रखना है, वो कब रखना है वो इस वीडियो में आगे बताऊंगी आपको। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम टैप कर लेते हैं ताकि चारों साइड से अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी हम इसको बाहर ही रखेंगे, तब तक अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए दोबारा से मैंने कढ़ाई ले ली है और जो ये हमारा मौसम्बी का जूस है सारा इसमें डाल देते हैं। अब इसके बाद अपने मौसम्बी के जूस में हम 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। जैसे हमने पहले 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया था, सेम ऐसे ही हमें 3 चम्मच भर के इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है। आप चाहे तो इसकी जगह अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पूरे तरीके से ऑप्शनल है। तो चलिए विस्कर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जो भी गांठ है हमारी वे सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। जो आज ये हमारी स्पेशल डिज़र्ट है, जो हम ये पुडिंग बना रहे हैं मौसम्बी की, तो इसमें गांठ बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, तभी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो इसलिए इसको चलाते रहेंगे कंटिन्यू, और एकदम लो फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे। मौसम्बी डिज़र्ट को बनाने में हमें यहाँ पे टोटल 15 से 20 मिनट के आसपास का समय लगेगा, क्योंकि ये एकदम लो फ्लेम पे ही बनाया जाता है। जब ये बैटर हमारा हल्का सा गाढ़ा होने लगेगा, तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी पीसी हुई चीनी पाउडर। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में पीसी हुई चीनी पाउडर 3 चम्मच लिया था, तो अब ये जो हम बैटर दोबारा से पका रहे हैं, तो इसमें भी हम 3 चम्मच ही पीसी हुई चीनी डालेंगे। अगर कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें अपने टेस्ट से कम ज़्यादा चीनी यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमारा डिज़र्ट खाने में तो अच्छा लगता ही है, साथ ही देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे येलो फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 3 ड्रॉप्स मैंने येलो फूड कलर की इसमें डाल दी हैं। जब ये आज का हमारा डिज़र्ट बनके तैयार होगा फ्रेंड्स, बहुत ही देखने में यम्मी यम्मी और टेस्टी टेस्टी लगेगा। तो जब तक कि ये काफ़ी थिक ना हो जाए बैटर, तब तक हम इसको पकाना है। मौसम्बी में विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो हमारी आँखों के लिए, हमारे बालों के लिए और तो और हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा बैटर भी देख सकते हैं काफ़ी थिक हो गया है। अभी यहाँ पे मैं इसको 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी। तो टोटल हमारे यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, तो मुझे 1 मिनट और पकाना है इसको, थोड़ा सा और थिक करेंगे इसको ताकि कोई दिक्कत ना आए जब हम इसको सेट करने के लिए अपने मोल्ड में डालें, और ठंडा करने के बाद जब हम अपने मोल्ड से इसको बाहर निकालें तो बहुत ही इजीली ये निकल जाएगा। तो चलिए अब हम इसको अब मोल्ड में देखें। तो देख सकते हैं जो हम पहले यहाँ पे अपना बना के तैयार किया था दूध वाला, तो वो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब फटाफट से इसको भी इसी के ऊपर हम सेट करेंगे। अब थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे टैप करूँगी ताकि ये भी अच्छे से सेट हो जाए। तो अब इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। 1 घंटा हो चुका है फ्रेंड्स, और जो ये हमारा बैटर है ये भी बहुत ही बढ़िया से सेट हो चुका है। तो चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक प्लेट रखूँगी और इसको हम पलट लेंगे ताकि बहुत ही इजीली ये मोल्ड से बाहर निकल जाए। तो हल्का सा टैप करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड, जो हमारा ये आज का डिज़र्ट है एकदम बेहतरीन ये बन के रेडी है। तो देखने में कितना लग रहा है ना, एकदम यम्मी यम्मी। तो मन कर रहा है ना कि अभी से इसको टेस्ट कर ले। तो अभी इसको थोड़ा सा हम ऊपर से टूटी फ्रूटी से सजाएंगे। मेरे पास यहाँ पे कलर में टूटी फ्रूटी हैं, रेड, येलो और ग्रीन, आपके पास जैसी भी हो तो उसी से ही आप इसको सजाएं और इसको इंजॉय करें। इंस्टेंट बनने वाला हमारा आज का मौसम्बी पुडिंग डिज़र्ट बनके रेडी है फ्रेंड्स।
जब भी आप इस डिज़र्ट को बनाएं तो हमेशा एकदम फ्रेश मौसम्बी के जूस से बनाएं। ज़्यादा देर उसको रखेंगे तो उसका टेस्ट एकदम बिगड़ जाएगा। तो चलिए इसको फटाफट से हम कट कर लेते हैं और देख सकते हैं फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना ज़्यादा यम्मी है। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।